हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पवन वॉक एकेडमी। आई एम अंकिता। और गाइस, आज के क्लास में हम लोग देखेंगे आपका सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट इस चैप्टर नंबर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टैंडर्ड 9 का। यस गाइस, और लास्ट वाले क्लास में हम लोगों ने सारे के सारे न्यूमेरिकल्स को कंप्लीट किया था। तो अगर आप लोगों ने लास्ट वाले न्यूमेरिकल वाला क्लास नहीं देखा है तो मेरी आप सबसे तहे दिल से रिक्वेस्ट है कि सारे के सारे वो जाके देख लो, उसके बाद ही इस वीडियो को कंटिन्यू करना। चलिए तो देखते हैं हम लोग आज के क्लास में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, जिसका नाम है रजिस्टर्स इन सीरीज। लेकिन रजिस्टर्स इन सीरीज को देखने से पहले एक बार ये देखते हैं कि रजिस्टर क्या होता है और रजिस्टर्स के अरेंजमेंट जो होते हैं वो किस तरीके से होते हैं। अगर ये दो चीज़ आपको समझ जाए तो फिर रजिस्टर्स इन सीरीज पढ़ने का मज़ा ही कुछ अलग रहेगा। चलिए देखते हैं इस पार्ट को। सबसे पहले रजिस्टर होता क्या है। रजिस्टर देख रहे हैं गाइज हम लोग सबसे पहले रजिस्टर को कि एक्चुअली रजिस्टर क्या होता है। इस रजिस्टर को आप लोग गलती से भी रजिस्टर समझने की कोशिश मत करना। कुछ लोग इस रजिस्टर के स्पेलिंग के जगह पे ये वाले रजिस्टर का स्पेलिंग लिख के आते हैं, मतलब वो जो आपका रजिस्टर होता है ना कॉपी, कुछ लोग इस रजिस्टर को इस रजिस्टर बोलते हैं। लेकिन याद रखना, गलती से भी ये स्पेलिंग या ये प्रोनाउंसिएशन मत लाना, समझ गए ना। ये रजिस्टर और वो रजिस्टर में बहुत फर्क है। ये क्या है, रजिस्टर है। तो सबसे पहले मैं इसका डेफिनेशन लिखती हूँ, फिर आपको समझा के देती हूँ। द टू एंड कंपोनेंट, द कंपोनेंट हैविंग टू एंड, द कंपोनेंट हैविंग टू एंड्स। जो भी एक ऐसा कंपोनेंट है जिसमें टू एंड्स होते हैं, अ कंपोनेंट्स हैविंग टू एंड्स एंड विच कंसिस्ट ऑफ अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस, एंड विच कंसिस्ट ऑफ अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस इन इट बिटवीन टू एंड्स इज कॉल्ड एज रजिस्टर। मतलब आपको यहाँ पे ये बोल रखा है, आधे लोग बोलेंगे क्या लिखा है, कुछ समझ ही नहीं रहा, अभी मैंने समझाया ही कहा है भाई, अभी तो मैंने समझाया ही नहीं। समझते इस बात को, यहाँ पे आपको ये बोल रखा है, अगर मैं बात करती हूँ ना रजिस्टर की, तो ये है आपका रजिस्टर। रजिस्टर को ड्रॉ करते वक्त कुछ लोग पता है कैसे ड्रॉ करते, कुछ लोग ये ऐसे ऐसे ड्रॉ करते, कुछ लोग रजिस्टर को ड्रॉ करते वक्त ऐसे ऐसे ड्रॉ करते। हमेशा याद रखना, ये ऐसे आप लोग ड्रॉ नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते भाई ऐसे ड्रॉ, जल्दी बताओ सारे के सारे, ऐसे ड्रॉ क्यों नहीं कर सकते और ऐसे ड्रॉ क्यों कर सकते? क्योंकि यहाँ पे आप लोगों ने, यहाँ पे भी इस तरीके से आया है ऊपर और यहाँ पे भी इस तरीके से आया है ऊपर, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे ये नीचे आया है और ये भी नीचे है, तो ये ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। क्योंकि हमको कैसा चाहिए, एक ऊपर एक नीचे, ये कॉम्बिनेशन आपका करेक्ट है। याद रखना भाई, कुछ लोग गड़बड़ी में तो बस फटाफट ड्रॉ करते हैं, उनको लगता है वो साइंटिस्ट है तो जो वो ड्रॉ करेंगे एकदम सही रहेगा। लेकिन याद रखना भाई, हम लोग साइंटिस्ट थोड़ी हैं, जैसा बुक में दिया है वैसा ही करने का, समझ गए ना सारे के सारे। कुछ लोग ये ऐसा ड्रॉ करेंगे, आप लोग बिल्कुल भी ऐसा ड्रॉ मत करना। कुछ लोग दोनों नीचे ड्रॉ करेंगे, वैसा भी मत करना। कैसे करेंगे सारे के सारे, एक करेंगे ऊपर एक करेंगे नीचे, तभी जाके वो रहेगा आपका एक्चुअल रेजिस्टेंस, समझ गए ना। मेरा नाम मत खराब करना बस ये गलत स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करके। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग सारे के सारे। अब समझना हमको ये है कि ये रेजिस्टर्स है क्या, क्या है भाई ये रेजिस्टर्स। तो मैंने आपको ये बताया है कि एक ऐसा कंपोनेंट, ये एक कंपोनेंट है और इस कंपोनेंट को दो एंड है, एक ये एंड है और एक ये एंड है। तो एक ऐसा कंपोनेंट, ये है आपका एक कंपोनेंट जिसको दो एंड है, जिसमें कुछ वैल्यू होता है रेजिस्टेंस का, जिसमें कुछ रेजिस्टेंस का वैल्यू होता है इन दो एंड्स के बीच में, इसी को हम लोग रेजिस्टर्स बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे का पार्ट आपका ये है कि जो भी आपके रजिस्टर्स होते हैं उनका टोटल दो टाइप का अरेंजमेंट होता है, टू टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट। जो भी आपके रजिस्टर्स होते हैं उनमें टोटल दो टाइप का अरेंजमेंट्स होता है, टू टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट इन रजिस्टर्स। और ये अरेंजमेंट कौन सा होता है उसको हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला अरेंजमेंट जो होता है वो होता है रजिस्टर्स इन सीरीज। पहला अरेंजमेंट होता है भाई आपका रजिस्टर इन सीरीज, और सेकंड अरेंजमेंट आपका होता है रजिस्टर्स इन पैरेलल। सेकंड अरेंजमेंट जो आपका रहता है वो रहता है रजिस्टर्स इन पैरेलल।
तो बस आपको यहाँ पे दो चीज़ें याद रखनी है। सबसे पहली और सबसे काम की बात यह है कि रजिस्टर एक ऐसा कंपोनेंट है जिसको दो एंड होते हैं, जिसमें कुछ ना कुछ वैल्यू होता है रजिस्टर्स का। अब रजिस्टर्स में टोटल दो टाइप के अरेंजमेंट होते हैं। सबसे पहला अरेंजमेंट होता है कि अगर रजिस्टर्स को सीरीज में लगाया जाए, और सेकेंड होता है अगर रजिस्टर्स को पैरेलल में लगाया जाए। ये दोनों के दोनों कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये कॉम्बिनेशन अभी आपको समझ गए तो स्टैंडर्ड 10th में भी आपको समझ जाएंगे, स्टैंडर्ड 11th में भी और स्टैंडर्ड 12th में भी। अगर आप लोग फ्यूचर में NDA और बहुत सारे एंट्रेंसेस का प्रिपरेशन करना चाहते हो, जैसे कि ओलंपियाड है ना, तो बहुत सारे जो एंट्रेंस एग्जामिनेशंस होते हैं जैसे कि KVPY, वहाँ पे आपको ये वाले जितने भी फॉर्मूलेज रहेंगे, जो भी कैलकुलेशंस यहाँ पे रहेंगे, किस तरीके से सर्किट बनाएंगे, बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एकदम ध्यान के साथ। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे रजिस्टर्स इन सीरीज को। उससे पहले ले लो सारे के सारे इसका क्या स्क्रीनशॉट। चलिए भाई, तो किस बात की देरी, देखते हैं, स्टडी करते हैं अपने फर्स्ट वाले अरेंजमेंट को जिसका नाम है रजिस्टर्स इन सीरीज। चलिए देखते हैं रजिस्टर्स इन सीरीज को। रजिस्टर्स इन सीरीज, अगर मुझे इस कॉम्बिनेशन को स्टडी करना है तो सबसे पहली चीज मुझे यहाँ पे पता होना चाहिए कि इस सीरीज में क्या होता है। इन दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इस अरेंजमेंट में क्या होता है वो देखते हैं हम लोग। इन दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट ऑल द रजिस्टर्स, जितने भी आपके रजिस्टर्स होते हैं, आर कनेक्टेड वन बाय वन इन ए सिंगल लाइन। ठीक है, मतलब इस अरेंजमेंट में वो आपको ये बोल रहा है कि सारे के सारे जो भी आपके रजिस्टर्स हैं उन रजिस्टर्स को आपने वन बाय वन एक ही लाइन में कनेक्ट किया है। हम लोग बोलते हैं ना सीरीज, देखो आप लोगों ने दिवाली के वक्त देखा होगा लाइटिंग जो होता है उसको सीरीज जो होती है, लाइटिंग की सीरीज को आप लाइटिंग की सीरीज क्यों बोलते हो? सुना होगा ना, वो घर के आजू बाजू में लाइटिंग लगाते हैं, भगवान के घर के आसपास में लाइटिंग लगाते हैं दिवाली के वक्त, तो वो सीरीज होता है। क्यों सीरीज बोलते हैं? क्योंकि उस सीरीज के अंदर में लाइट जो होते हैं ना वो कुछ इस तरीके से होते हैं, सारे के सारे लाइट्स आपके एक ही वायर को अटैच रहते हैं, इसलिए आप उसको बोलते हो लाइट सीरीज, या तो आप उसको लाइटिंग सीरीज भी बोलते हो। याद है ना दिवाली के वक्त लगाते लाइटिंग सीरीज सभी के घर के बाहर होती है, क्योंकि वहाँ पे आपके जो लाइट्स होते हैं वो एक के बाद एक सीरीज में होते हैं। तो बस भाई बिल्कुल वही वाला किस्सा है, यहाँ पे आपने लाइट की जगह पे रजिस्टर्स लगाए। अब ये जो रजिस्टर्स है ना, ये भी रजिस्टर्स सारे के सारे एक के बाजू में एक है, एक लाइन के लॉन्ग में, एक सीरीज के लॉन्ग में, इसलिए इनका नाम भी क्या है, रजिस्टर्स इन सीरीज। क्योंकि जैसे लाइटनिंग सीरीज में लाइट सीरीज में होते हैं, एक के बाद एक होते हैं एक ही लाइन में, बिल्कुल उसी तरीके से आपके रजिस्टर्स भी है। समझे या नहीं समझे? अब आगे की बात आपकी ये है, आपने यहाँ पे क्या किया है उसको देखते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं लेट R1, R2 एंड R3 बी द थ्री रजिस्टर्स। आप लोग R1, R2 और R3 ऐसे तीन रजिस्टर कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, अब बुक में तीन रजिस्टर्स कंसिडर किए, इसलिए हम लोग भी तीन ही कंसिडर कर रहे हैं। आप लोग दो भी करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, इस न्यूमेरिकल को डिराइव कर सकते हो, फोर लेके भी कर सकते हो। लेकिन हाँ, याद रखना सीरीज है, मतलब एक के बाजू में एक ही आएगा। ठीक है, तो R1, R2, R3 आपके थ्री रजिस्टर्स है। ठीक है, विच आर कनेक्टेड इन सीरीज, जिनको हम लोग सीरीज में कनेक्ट कर रहे हैं, विच आर कनेक्टेड इन सीरीज। चलो आगे का पार्ट देखते हैं हम लोग। आगे का पार्ट आपका ये है, लेट V1, V2, V3 बी द पोटेंशियल डिफरेंस। V1, V2, V3 आप सबको पता है कि जो वोल्टेज होता है, मतलब जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, उसको हम लोग V से रिप्रेजेंट करते हैं। तो V1, V2, V3 भी क्या रहेगा, बी द पोटेंशियल डिफरेंस, जो भी आपका पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा अप्लाइड अक्रॉस R1, R2 एंड R3। ठीक है, तो बस सबसे पहले मैंने तीन रजिस्टर्स को कनेक्ट किया। अब आधे लोग बोलेंगे तीन रजिस्टर्स क्यों कनेक्ट कर रहे हैं? हाँ भाई, आप कितने भी कर सकते हो, आपकी मर्जी, लेकिन रजिस्टर्स क्यों कनेक्ट कर रहे हो?
और रे भाई नाम ही क्या है, रजिस्टर्स इन सीरीज। अगर मुझे रजिस्टर इन सीरीज पढ़ना है और मैंने रजिस्टर ही कनेक्ट नहीं किया तो मैं रजिस्टर इन सीरीज को कहाँ से पढ़ूंगी। मतलब ये अगर मुझे रजिस्टर इन सीरीज को पढ़ना है तो सबसे पहले मुझे रजिस्टर तो कंसिडर करना पड़ेगा ना, इसीलिए मैंने तीन रजिस्टर को कनेक्ट किया। अब तीन रजिस्टर जब मैंने कंसिडर किया और उन सबको कनेक्ट किया तो मैंने उसके अक्रॉस में कुछ ना कुछ वोल्टेज अप्लाई किया, और लेट से कि V1 V2 V3 क्या है, आपके वोल्टेजेस है, आपके पोटेंशियल डिफरेंस है जो आप R1 R2 R3 के अक्रॉस में अप्लाई कर रहे हो। डायग्राम से जब समझाऊंगी आपको सब समझ में आ जाएगा। यहाँ पे आपको ये भी याद रखना है कि RS जो होता है इसी को हम लोग बोलते हैं एफेक्टिव रेजिस्टेंस। जो भी आपका RS है, इस RS का मतलब क्या होता है, एफेक्टिव। एफेक्टिव का मतलब ही आप इसको टोटल भी बोल सकते हो, ठीक है। तो RS का मतलब होता है एफेक्टिव रेजिस्टेंस, ठीक है, इतना चीज क्लियर है। लेट I बी द करंट, I जो है वो करंट रहेगा, I बी द करंट, जो भी करंट आपका फ्लो हो रहा है, फ्लोइंग थ्रू सर्किट, जो भी आपका इलेक्ट्रिक सर्किट रहेगा उससे जो भी करंट फ्लो होगा उस करंट को हम लोग I से रिप्रेजेंट करते हैं। आपको ये बात हमेशा बहुत बढ़िया तरीके से याद रखना है, फॉर रजिस्टर्स इन सीरीज, फॉर रजिस्टर्स इन सीरीज। जब भी आपके रजिस्टर्स को आप सीरीज में कनेक्ट करते हो, जब भी आपके रजिस्टर्स को आप सीरीज में कनेक्ट करते हो तो आपको याद रखना है करंट जो फ्लो होता है, करंट फ्लोइंग इज सेम, करंट फ्लोइंग थ्रू रजिस्टर इज सेम। मतलब सारे के सारे रजिस्टर्स से जो भी आपका करंट फ्लो होता है वो कैसा रहता है, वो सेम रहता है। ये बात आपको अपने दिमाग में फिट कर लेनी, बहुत काम की चीज़ है, बहुत काम की चीज़। अगर ये सेंटेंस नहीं पता तो हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। याद रखना है R1, R2, R3 आपके टोटल 3 रेजिस्टेंस आपने कंसिडर किए हैं, V1, V2, V3 3 पोटेंशियल है। दिमाग में क्वेश्चन आता है करंट भी I1, I2, I3 होने चाहिए थे, फिर पता चला भाई यहाँ पे तो करंट I1, I2, I3 है ही नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि रजिस्टर्स इन सीरीज वाला अरेंजमेंट है। और मैंने आपको अभी बताया कि रजिस्टर्स इन सीरीज वाले अरेंजमेंट में करंट कैसा होता है, करंट सेम होता है। मतलब R1, R2, R3 तीनों रजिस्टर्स से सेम करंट फ्लो होगा जिसका नाम है I। इसलिए मैंने यहाँ पे I1, I2, I3 नहीं लिखा। याद रखना भाई रजिस्टर्स इन सीरीज में बार बार बताऊंगी करंट कैसा होता है, सेम। चलो आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग एक सर्किट को ड्रॉ करने वाले हैं, वो सर्किट आपका कुछ इस तरीके से है। ये सर्किट आपका कुछ इस तरीके से रहेगा भाई, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग सारे के सारे। इस सर्किट में सबसे पहले आपने यहाँ पे सेल लगाया, तो ये है आपका सेल। जो भी बड़ा होता है उसके पास में हमेशा पॉजिटिव चार्ज देते हैं, जो भी छोटा होता है उसके पास में हमेशा नेगेटिव चार्ज देते हैं। आगे बढ़ेंगे, ये रहेंगी आपकी टैप की, ये है आपकी प्लग की भी बोल सकते हैं, इसको आप टैप की भी बोल सकते हो। फिर हम लोग और आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे मैंने कनेक्ट किया है आपके एमीटर को, यहाँ पे मैंने एमीटर को कनेक्ट किया, यहाँ पे प्लस चार्ज आएगा और यहाँ पे आपका माइनस चार्ज आएगा। अब दिमाग में क्वेश्चन आता है यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, ये आपके सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट है, इसलिए यहाँ प्लस आया, दूसरी साइड में माइनस आएगा। अब मैंने यहाँ पे वोल्टेज अप्लाई किया है, मैंने यहाँ पे कुछ ना कुछ वोल्टेज अप्लाई किया है, और यहाँ पे प्लस रहेगा, यहाँ पे माइनस रहेगा। क्योंकि ये प्लस साइड से अटैच है इसलिए यहाँ पे भी प्लस आया, क्योंकि ये भी प्लस साइड से अटैच है इसके, तो यहाँ पे भी आपका प्लस आया, ठीक है। ये कुछ नहीं, ये आपके रजिस्टर्स है R1, R2 और R3, ये आपके 3 टोटल रजिस्टर्स है। समझे या नहीं समझे सारे के सारे। और जो भी आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कुछ इस तरीके से यहाँ पे फ्लो होंगे, ये आपके है इलेक्ट्रॉन के फ्लो का डायरेक्शन। तो ये हुआ आपके इलेक्ट्रिक सर्किट जो शो कर रहा है रजिस्टर्स इन सीरीज को, ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग इसी पार्ट के अंदर में। अब जब मैं इस पार्ट के आगे की बात करती हूँ तो सबसे पहली चीज़ जो मैंने यहाँ पे जानी वो ये है कि जो भी आपके वोल्टेजेस होते हैं, जो भी आपके वोल्टेज होते हैं उसी का मतलब होता है V1 प्लस V2 प्लस V3। सबको ये बात बहुत बढ़िया तरीके से पता है। अगर 3 रजिस्टर्स कनेक्ट किए, इस रजिस्टर्स के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो है आपका V1, यहाँ पे जो वोल्टेज रहेगा वो V1 रहेगा, यहाँ पे जो वोल्टेज रहेगा वो V2 रहेगा, यहाँ पे जो वोल्टेज रहेगा वो V3 रहेगा। तो टोटल वोल्टेज कैसे निकालेंगे,
मतलब भी टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालेंगे, V1 प्लस V2 प्लस V3 करके, तो वही किया मैंने। आगे बढ़ते, ये हुआ आपका फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट मुझे देखना है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। सबको ये बात बहुत बढ़िया तरीके से पता है, ओम्स लॉ का मतलब क्या होता है। ओम्स लॉ का मतलब होता है V इक्वल्स टू IR। ओम्स लॉ का मतलब क्या होता है, V इक्वल्स टू IR। चलो आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते सारे के सारे। मतलब ये V1 का मतलब क्या रहेगा, I इंटू R1, बिल्कुल वैसा ही करेंगे। V2 का मतलब क्या रहेगा, I इंटू R2। V3 का मतलब क्या रहेगा, I इंटू R3। दिमाग में क्वेश्चन आता है ये कैसे क्या आ गया, कुछ समझा ही नहीं। सुनो भाई, V इक्वल्स टू IR होता है जब V के जगह पे V1 लिया तो R के जगह पे R1 हो गया, V1 के जगह पे V2 लिया तो R1 के जगह पे R2 आ गया, जब V2 के जगह पे V3 लिया तो R2 के जगह पे R3 आ गया। अब करंट क्यों नहीं चेंज हुआ, क्यों? क्योंकि रजिस्टर्स इन सीरीज में करंट जो फ्लो होता है वो कैसा रहता है, वो कैसा रहता है, वो सेम रहता है। करंट फ्लोइंग टू द सर्किट इज सेम, याद रखना है सबको, सेम। इसलिए मैंने तीनों जगह पे आई दिखाई। आगे बढ़ते हैं, जो भी आपका ये वी है, इस वी का मतलब है टोटल वोल्टेज। क्या है, टोटल। इसलिए यहाँ पे रेजिस्टेंस भी कौन सा वाला रहेगा, टोटल वाला। तो जरा चेक करो यहाँ टोटल रेजिस्टेंस कहाँ पे आए, टोटल रेजिस्टेंस है ये। और टोटल रेजिस्टेंस का मतलब ही क्या होता है, RS। मतलब यहाँ पे जो आएगा वो रहेगा S वाला। समझे या नहीं समझे, ये V1 के जगह पे I इंटू R1, ये V2 के जगह पे I इंटू R2, ये V3 के जगह पे I इंटू R3, और ये जो टोटल वोल्टेज है इसका मतलब है I इंटू R टोटल। और रेजिस्टेंस टोटल ही क्या होता है, RS। मतलब ही आपका इफेक्टिव रेजिस्टेंस। चलो अब मैं क्या करने वाली हूँ, मैं इन सब A, B, C और D के वैल्यूज, मैं इन सब के वैल्यूज आपको सब्स्टिट्यूट करने वाली हूँ। तो अभी मैं लिख रही हूँ सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज ऑफ, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज ऑफ A, B, C, D इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में मैं सारे के सारे वैल्यूज को क्या करवाने वाली हूँ, सब्स्टिट्यूट करवाने वाली हूँ। चलो भाई सारे के सारे बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब आगे क्या होगा, V के जगह पे मैं लिखूंगी, पहले हम लोग इसी एक्सप्रेशन को लिख लेते हैं, V इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3। अब V के जगह पे मुझे क्या लिखना है, I इंटू RS। V1 के जगह पे मुझे क्या लिखना है, I इंटू R1। V2 के जगह पे क्या लिखना है, I इंटू R2। V3 के जगह पे क्या लिखना है, I इंटू R3। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ से करंट को कॉमन ले लूँगी, तो यहाँ पे आएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने बस यहाँ से करंट को कॉमन ले लिया है, क्योंकि तीनों जगह पे मुझे करंट दिख रहा था तो मैंने करंट को कॉमन ले लिया। ये I से ये I कैंसिल हो जाएगा, मतलब मुझे फाइनली वैल्यू क्या मिला, RS इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ये दो फॉर्मूले सबसे ज़्यादा काम के, सबसे पहला फॉर्मूला, मतलब पहली चीज़ जो आपको याद रखना है कि करंट हमेशा सेम रहता है, बहुत काम का पॉइंट है, जहाँ से आपका MCQ टाइप का क्वेश्चन कोई भी एंट्रेंस में आपको देखने को मिल सकता है। सेकेंड कॉम्बिनेशन जो आपको पता होना चाहिए वो ये है कि रजिस्टर्स इन सीरीज में, यहाँ पे मैंने RS लगाया है, क्योंकि ये जो S है ये आपको इंडिकेट करता है सीरीज अरेंजमेंट। ठीक है, तो RS का मतलब ही आपका इफेक्टिव रेजिस्टेंस होता है, मतलब ही आपका टोटल रेजिस्टेंस होता है जब अरेंजमेंट कौन सा वाला हो, सीरीज वाला। इसलिए मैंने यहाँ पे RS लिखा है, और इसका फॉर्मूला होता है R1 प्लस R2 प्लस R3। बहुत काम का फॉर्मूला है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ये फॉर्मूला सिर्फ तभी रहता है जब रजिस्टर्स आपके सीरीज में होते हैं। समझे या नहीं समझे, रजिस्टर्स एक के बाजू में एक आ रहे हैं, एक लाइन में आ रहे हैं, एक सिंगल लाइन में आ रहे हैं। जैसे लाइटिंग की सीरीज होती है अपने घर में, जब अपन लगाते दिवाली आती है तो ये हुई आपकी रजिस्टर्स इन सीरीज। ठीक है, इसलिए एक साथ में, इसलिए सीरीज में है, इसलिए मैंने रजिस्टर्स के वैल्यू को ऐड कर दिया। तो R1 प्लस R2 प्लस R3 ले लो भाई सारे के सारे इसका स्क्रीनशॉट। चलिए भाई, अब आपके बुक में है ना कुछ पॉइंट्स दे रखे, आपके बुक में कुछ पॉइंट्स दे रखे पेज नंबर 40 पर, सारे के सारे आ जाओ पेज नंबर 4040, और उस पर हम लोग देखने वाले हैं जो भी आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दे रखे, क्योंकि हम लोगों ने जैसे कि प्रॉमिस किया था कि हम लोग कोई भी पॉइंट नहीं छोड़ेंगे। तो चलिए देखते हैं हम लोग रजिस्टर्स इन कनेक्टेड इन सीरीज। यस गाइज, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ग्रीन वाले पोर्शन को सबसे पहले, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दे रखे हैं। सबसे पहला पॉइंट, द सेम करंट फ्लोज थ्रू ईच रजिस्टर। हम लोगों ने अभी देखा कि जब रजिस्टर सीरीज में कनेक्ट होते हैं तो आपका हमेशा क्या होता है, हमेशा सेम करंट फ्लो होता है। जैसे कि मैंने लिखा है करंट फ्लोइंग थ्रू रजिस्टर इज सेम,
मैंने जैसे कि आपको बताया भी है कि अगर रजिस्टर सीरीज में कनेक्ट होते हैं, हमेशा याद रखना करंट सेम फ्लो होता है। सेकेंड पॉइंट, द इफेक्टिव रजिस्टेंस ऑफ द रजिस्टर इज इक्वल टू द सम ऑफ इंडिविजुअल रजिस्टेंस। देखो भाई, ये भी चीज़ प्रूव हो गई है कि जो भी आपका इफेक्टिव रजिस्टेंस रहता है, मतलब जो भी आपका आर एस रहता है, मतलब जो भी आपका इफेक्टिव रजिस्टेंस रहता है, मतलब जो भी आपका टोटल रजिस्टेंस रहता है किसमें, सीरीज में, जिसको हम लोग आर एस से रिप्रेजेंट करते हैं, वो हमेशा सम होता है इंडिविजुअल रजिस्टेंस का, वो हमेशा सम होता है आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री का। आर वन अपना एक इंडिविजुअल रजिस्टेंस है, आर टू भी इंडिविजुअल है, आर थ्री भी इंडिविजुअल है, मतलब ये जो आपका इफेक्टिव रजिस्टेंस है, ये जो आपका टोटल रजिस्टेंस है, मतलब ये जो आपका रजिस्टेंस सीरीज में रजिस्टर है, वो क्या है, वो सम है इंडिविजुअल रजिस्टेंस का। समझे या नहीं समझे। चलो थर्ड पॉइंट आपका बोलता है, द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड बिटवीन द टू एक्सट्रीम्स ऑफ अरेंजमेंट इज इक्वल टू द सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस इंडिविजुअल रजिस्टर। देखो भाई, ये वाली चीज़ भी वहीं पे है, जो भी आपका टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है, जो भी आपका अफेक्टिव पोटेंशियल डिफरेंस है, वो सम होता है इंडिविजुअल पोटेंशियल डिफरेंस का। ये वी वन एक अलग पोटेंशियल इंडिविजुअल पोटेंशियल डिफरेंस है, वी टू एक अलग इंडिविजुअल पोटेंशियल डिफरेंस है, और वी थ्री आपका अलग पोटेंशियल इंडिविजुअल पोटेंशियल डिफरेंस है। मतलब जो भी आपका टोटल वोल्टेज है, जो भी आपका इफेक्टिव वोल्टेज है रजिस्टर्स इन सीरीज में, वो क्या होता है, वो सम होता है इंडिविजुअल वोल्टेज का। समझे या नहीं समझे। तो ये सीरीज, मैंने ये चार्ट इसलिए आपके सामने लिखा है डेरिवेशन, ताकि हम लोग हर एक पॉइंट को समझ सके कि ये प्रूफ हुआ है या नहीं हुआ है। फोर्थ पॉइंट आपको दे रखा है, द इफेक्टिव रजिस्टेंस इज लार्जर दैन इंडिविजुअल रजिस्टेंस। देखो भाई, इफेक्टिव सबका सम है, एफेक्टिव जो है वो सबका सम है। छोटे छोटे चीज़ों से एक बहुत बड़ी चीज़ बनी है, मतलब ये जो बड़ी चीज़ है ये सबसे बड़ी रहेगी ना। ये जो आर एस है ये आर वन से भी बड़ा है, ये जो आर एस है ये आर टू से भी बड़ा है, ये आर एस जो है ये आर थ्री से भी बड़ा है। क्यों भाई? क्योंकि ये इफेक्टिव वैल्यू है, ये बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा है। समझे या नहीं समझे। तो ये वैल्यू हर एक चीज़ से बड़ा है। अब इसको कैसे समझेंगे, सुनो भाई सुनो। आर वन लेटेस्ट से, चलो R1 है आपका छोटा सा बलून, RS है बहुत बड़ा बलून, मतलब ये बोल सकते हैं कि RS इज ग्रेटर देन R1, ऐसा भी बोल सकते हैं RS इज ग्रेटर देन इंडिविजुअल R2, RS इज ग्रेटर देन R3। क्यों ऐसा? क्योंकि ये सब तो छोटे छोटे हैं और RS कैसा है, बहुत बड़ा। समझे या नहीं समझे। चलो फिफ्थ पॉइंट देखते हैं, दिस अरेंजमेंट इज यूज टू इंक्रीज द रेजिस्टेंस इन द सर्किट। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपके रेजिस्टेंस का एडिशन हो रहा है, यहाँ पे रेजिस्टेंस डायरेक्टली ऐड हो रहे हैं, जिसके वजह से जो भी आपका इफेक्टिव रेजिस्टेंस है उसका वैल्यू बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे आपके रेजिस्टेंस ऐड होते जा रहे हैं, ऐड होने के बाद क्या होगा, इफेक्टिव रेजिस्टेंस का वैल्यू बहुत बढ़ जाएगा। और अगर रेजिस्टेंस का वैल्यू सर्किट में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, रेजिस्टेंस का वैल्यू बहुत ज़्यादा सर्किट में बढ़ जाता है, तो उस टाइप के अरेंजमेंट जो होता है वो होता है आपका सीरीज वाला अरेंजमेंट। समझे या नहीं समझे। तो पहला पॉइंट, करंट सेम रहता है। सेकेंड पॉइंट, पोटेंशियल सबका सम रहता है पोटेंशियल डिफरेंसेस का। इफेक्टिव रेजिस्टेंस भी सबका सम रहता है। इंडिविजुअल वैल्यू, हर एक छोटे छोटे वैल्यू, मतलब जो भी आपका आरएस होता है वो सभी वैल्यू से बहुत बड़ा होता है। और लास्ट वाला पॉइंट ये बताया कि रेजिस्टेंस का सम हो रहा है, इसलिए टोटल रेजिस्टेंस सिस्टम का बहुत बड़ा होता है सीरीज वाले अरेंजमेंट के अंदर में। चलिए, यहाँ पे आपका रेजिस्टेंस इन सीरीज वाला पार्ट कंप्लीट होता है। अब हम लोग देखते हैं इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल को। न्यूमेरिकल आपको दे रखे पेज नंबर 40 पर। तो चलिए गाइस, ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना देखते हैं अपने रजिस्टर इन सीरीज से रिलेटेड, मतलब ही इस पार्ट से रिलेटेड सॉल्व एग्जाम्पल्स को, मतलब ही आपके न्यूमेरिकल्स को। चलिए भाई, अब हम लोग देखते हैं अपने न्यूमेरिकल्स को। तो न्यूमेरिकल है आपका प्रॉब्लम नंबर, मतलब ये एग्जांपल नंबर 1, जो कि दे रखा है पेज नंबर 40 पर। चलिए देखते हैं इस एग्जांपल को, यहाँ पे क्या बोल रखा है। एग्जांपल नंबर 1 को देखते हैं भाई हम लोग। एग्जांपल नंबर 1, सबसे पहले हमेशा किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करते वक्त आपको दो बातें याद रखना है। सबसे पहली चीज़ रहती है गिवन डेटा, और फिर आपका रहता है टू फाइंड। हमेशा आपको इसी फैशन में इसको सॉल्व करना है। चलिए, थ्री रजिस्टर हैविंग ए रजिस्टेंस ऑफ 15 ओम्स, 3 ओम्स एंड 4 ओम्स। आपको टोटल थ्री रजिस्टर्स गिवन है, आर वन, आर टू, आर थ्री। सबको बताया भाई, ये थ्री रजिस्टर्स है। रजिस्टर्स या रजिस्टेंस को हम लोग हमेशा आर से रिप्रेजेंट करते हैं। थ्री है इसलिए मैंने आर वन, आर टू, आर थ्री लिखा। आर वन का वैल्यू है आपका 15 ओम, आर टू का वैल्यू है आपका 3 ओम, और आर थ्री का वैल्यू है आपका 4 ओम।
आपको यहाँ पे बोल रखा है व्हाट इज द इफेक्टिव रेजिस्टेंस, आपको पूछ रखा है भाई कि इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना होगा इस सीरीज के लिए या इस सिस्टम के लिए, इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना होगा। सबको ये बात बहुत बढ़िया तरीके से पता है कि इफेक्टिव रेजिस्टेंस का मतलब ही आपका टोटल रेजिस्टेंस होता है। टोटल रेजिस्टेंस को हम लोग हमेशा आर से डिनोट करते हैं, कैपिटल आर से। लेकिन यहाँ पे जो आपको अरेंजमेंट बोल रखे ना, आर कनेक्टेड इन सीरीज, बहुत काम की चीज है। आर कनेक्टेड इन सीरीज, आर कनेक्टेड इन सीरीज, जरा ध्यान देना भाई, आर जरा ध्यान देना, ये बहुत काम की लाइन है। यहाँ पे आपको इफेक्टिव रेजिस्टेंस को निकालना है। इफेक्टिव रेजिस्टेंस का मतलब ही टोटल रेजिस्टेंस होता है, और टोटल रेजिस्टेंस को हम लोग कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो अरेंजमेंट है ये सीरीज में है। सीरीज मतलब कैसे याद रखोगे, लाइटिंग की सीरीज। जब दिवाली लगती है, दिवाली आती है, सभी के घर में लाइटिंग की सीरीज लगती है। तो लाइट कैसे होते हैं भाई, एक के बाजू में एक होते हैं, सीरीज में होते हैं, एक वायर से अटैच होते हैं ना, बस भाई वही किस्सा है। ये सीरीज में है, सीरीज का स्पेलिंग एस से चालू होता है, इसलिए कैपिटल आर के नीचे मैंने क्या लिखा, एस। और ये मुझे कैलकुलेट करना है। दिमाग में आता है कि बहुत बड़ा क्वेश्चन होगा, बहुत सारी कैलकुलेशन इसमें इन्वॉल्व होंगे, लेकिन ये एक्चुअली इतना भी हार्ड नहीं है। सबको पता है कि अगर आपके रजिस्टर सीरीज में कनेक्टेड है, इफ रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, अगर आपके सारे के सारे जो रजिस्टर्स है वो कनेक्टेड है, इफ रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, अगर आपके रजिस्टर सीरीज में कनेक्टेड है, तो आप सबको ये बात बहुत बढ़िया तरीके से पता है कि जो आर एस होता है उसी का मतलब होता है आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। जैसे कि मैंने बताया था कि अगर वो सीरीज में कनेक्टेड रहते हैं तो रेजिस्टेंस का सम हो जाता है। अब आपके आर वन का वैल्यू कितना है, 15 ओम्स, आर टू का वैल्यू कितना है, 3, और आर थ्री का वैल्यू कितना है, 4। तो अब आप इस कैलकुलेशन को बहुत बढ़िया तरीके से कर सकते हैं। 3 + 4 = 7 होता है, और 15 + 7 कितना होता है, 22। यस और नो, यस और नो भाई, यस। तो इसका वैल्यू आता है आपका 22 ओम्स। ये है आपके रजिस्टर, मतलब ये आपके इफेक्टिव रजिस्टेंस का वैल्यू, ठीक है, जब रजिस्टर सीरीज में रहेंगे। यूनिट लिखना कभी भी नहीं भूलना है। ले लो भाई सारे के सारे इस न्यूमेरिकल का स्क्रीनशॉट। चलिए भाई, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना अब हम लोग देखते हैं अपने एग्जाम्पल नंबर 2 को, जो कि लास्ट एग्जाम्पल है आपके रजिस्टर्स इन सीरीज वाले अरेंजमेंट का। तो हम लोग ट्राई करते हैं कि हम लोग इस एग्जाम्पल को इसी वीडियो में कंप्लीट कर ले, ताकि आपको एक काफ़ी अच्छा सा लिंक मिल जाए रजिस्टर इन सीरीज और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स का इसी पर्टिकुलर पार्ट में। चलिए देखते हैं भाई इस पार्ट को, चलिए देखते हैं जल्दी से एग्जाम्पल नंबर 2 को। हमेशा आपको याद रखना है कि किसी भी न्यूमेरिकल को अगर आप सॉल्व कर रहे हो, तो हमेशा आप उसको सॉल्व करेंगे गिवन डेटा और टू फाइंड के फॉर्म में। उससे क्या होगा, उससे आपके कंसेप्ट्स एकदम बढ़िया तरीके से क्लियर होंगे और कैलकुलेशंस इजियर हो जाएंगे। टू रजिस्टर्स हैविंग द रेजिस्टेंस ऑफ 16 ओम्स एंड 14 ओम्स, आपको टोटल दो रजिस्टर्स दे रखे हैं, आर वन और आर टू। जैसे कि यहाँ पे दो रजिस्टर्स हैं, इसलिए मैंने आर वन और आर टू लिखा है, ठीक है। पहले रजिस्टर का वैल्यू है 16 ओम और आपके सेकेंड रजिस्टर का वैल्यू है 14 ओम्स, ठीक है। आगे बढ़ते, आर कनेक्टेड इन सीरीज, बहुत बड़ा काम का वर्ड है भाई, आर कनेक्टेड इन सीरीज, आपके दो रजिस्टर सीरीज में कनेक्टेड है। आगे बढ़ते, इफ अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 18 वोल्ट्स, आपका जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है, टोटल वैल्यू जो है पोटेंशियल डिफरेंस का, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस, जो भी आपका टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है ना भाई, इसका वैल्यू आपको दे रखा है क्वेश्चन के अंदर में 18 वोल्ट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे आपको बोल रखा है इस अप्लाइड अक्रॉस देम कैलकुलेट द करंट। सबसे पहले आपको यहाँ पे करंट को निकालना है, सबसे पहले आपको यहाँ पे करंट को कैलकुलेट करना है। सबको ये बात बहुत बढ़िया तरीके से पता है कि करंट को हम लोग आई से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि मुझे यहाँ पे कैलकुलेट करना है। आगे आपको बोल रखा है एंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच वन ऑफ द इंडिविजुअल रजिस्टर, वो भी आपको कैलकुलेट करना है। मतलब आपको वी वन भी निकालना है, मतलब ये आपको V2 भी निकालना है। समझे या नहीं समझे, चलो भाई ध्यान देना जरा। सबसे पहली चीज़ आपको यहाँ पे इस क्वेश्चन में पूछ रखा है, R1 और R2 का वैल्यू दे रखा है, मतलब इंडिविजुअल रेजिस्टेंस का वैल्यू दे रखा है। आपको ये भी बताया गया है कि ये रेजिस्टर सीरीज में कनेक्टेड है। सेकेंड थिंग, आपको यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस का भी वैल्यू दिया है, और ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है टोटल, मतलब ये आपका इफेक्टिव पोटेंशियल डिफरेंस है, जिसको मैं V से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। आगे मैंने ये जाना कि मुझे करंट निकालना है,
और मुझे V1 और V2 के इंडिविजुअल वैल्यूज निकालने हैं। अब दिमाग में क्वेश्चन आता है, मैं क्या करूँ, कैसे करूँ? ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ओम्स लॉ अपने साथ। जब ओम्स लॉ है अपने साथ तो डरने की क्या बात, जब ओम्स लॉ है अपने साथ तो डरने की क्या बात। न्यूमेरिकल कितना भी बड़ा आया, हम लोग लगा देंगे, बस भाई लगा देंगे, किसकी न्यूमेरिकल की। चलो आ जाएंगे यहाँ पे। सबसे पहले हम लोग निकालेंगे टोटल रेजिस्टेंस का वैल्यू, मतलब ये आपका इफेक्टिव रेजिस्टेंस का वैल्यू। टोटल रेजिस्टेंस, जिसी को हम लोग इफेक्टिव रेजिस्टेंस भी बोलते हैं, उसको हम लोग सबसे पहले कैलकुलेट करने वाले हैं। अब टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं भाई? R1 प्लस R2 मतलब ही क्या होता है, टोटल रेजिस्टेंस। समझे या नहीं समझे? R1 का वैल्यू है 16, R2 का वैल्यू है 14। करो भाई सारे के सारे इसको कैलकुलेट, कितना वैल्यू होता है? 16 प्लस 4 होता है 20, 20 प्लस 10 होता है 30, तो इसका वैल्यू आया आपका 30 ओम्स। ये हुआ आपके इफेक्टिव रेजिस्टेंस, मतलब ही टोटल रेजिस्टेंस का वैल्यू। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आपका जो आगे का पार्ट है वो ये है कि आप लोग यहाँ पे ओम्स लॉ को यूज़ करने वाले हो, यहाँ पे आप लोग ओम्स लॉ को यूज़ करने वाले हो। सबको ये बात बहुत बढ़िया तरीके से पता है कि V इक्वल्स टू IR होता है, ठीक है? अगर ये आपका टोटल वोल्टेज है तो ये आपका टोटल रेजिस्टेंस रहेगा। समझ गए ना सारे के सारे? अगर ये टोटल वोल्टेज है तो ये टोटल रेजिस्टेंस रहेगा। इसी टोटल रेजिस्टेंस को हम लोग RS से भी डिनोट कर सकते हैं, क्योंकि आप सबको ये बात बहुत बढ़िया तरीके से पता है कि जो RS होता है उसी का मतलब आपका RT होता है, ठीक है भाई? तो बस मैंने क्या किया, VT इक्वल्स टू I into RT ऐसा लिखा है, ठीक है? सबको ये बात बहुत बढ़िया तरीके से पता है कि RT का मतलब ही आपका RS होता है, तो आप वो भी लिख सकते हो, ठीक है भाई? चलो आगे बढ़ते हैं। VT का वैल्यू आपको कितना दिया है? 18। इक्वल्स टू I का वैल्यू आपको डिटरमाइन करना है, और RS का वैल्यू कितना दिया है आपको? 30। तो अगर मुझे I का वैल्यू निकालना है तो कैसे निकालेंगे? 18/30, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, इस 30 को नीचे भेज दिया। अब आप इसको डिवाइड करो और जल्दी से बता दो मुझे कितना आंसर आता है I का। I का वैल्यू आपका आता है भाई, I का वैल्यू आपका आता है कितना आएगा? I का वैल्यू जल्दी से बता दो सारे के सारे। 3 6 18 होता है, 3 6 आपका 18 होता है, तो इसका वैल्यू कितना आएगा? 0.6 एम्पियर, मतलब आपके I का वैल्यू आया 0.6 एम्पियर, ठीक है? चलो आगे बढ़ते। इफ रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, अगर आपके रजिस्टर्स जो है उनको मैंने कनेक्ट किया है, सीरीज में, इसी का मतलब ये हुआ कि करंट जो है, जो भी आपका करंट है फ्लोइंग, करंट फ्लोइंग थ्रू ईच रजिस्टर, जो भी आपका करंट फ्लो हो रहा है हर एक रजिस्टर से, वो कैसा रहेगा? वो आपका सेम रहेगा, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था कि अगर रजिस्टर सीरीज में कनेक्ट होते हैं तो करंट कैसा रहता है? सेम। चलो आगे बढ़ेंगे सारे के सारे। अब आपने I को तो कैलकुलेट कर लिया जिसका वैल्यू 0.6 एम्पियर है, बट अभी आपको V1 और V2 को निकालना है, तो यहाँ पे भी आप लोग किसको याद करेंगे? भाई भाई ओम्स लॉ को याद करेंगे भाई, ओम्स लॉ। V1 निकालना है, V का वैल्यू IR होता है, ठीक है भाई? सबसे पहले मैं ऐसे लिख लेती हूँ, V का वैल्यू आपका IR होता है, IR। यहाँ पे भी मैं V का वैल्यू IR लिख देती हूँ। आगे बढ़ेंगे। अब मुझे V1 लगाना है, तो मैंने V के नीचे 1 लगाया, तो R के नीचे भी 1 आएगा। अब मुझे V2 भी निकालना है, तो मैंने V के नीचे में 2 लगाया, तो R के भी नीचे में क्या आएगा? 2। बट I के नीचे में कुछ क्यों नहीं आया? क्योंकि मैंने अभी आपको बताया, ऐसा मत सोचना I1 I2, याद रखना भाई, फीलिंग्स में मत जाना, I1 I2 मत लिखना, याद रखना। अगर रजिस्टर सीरीज में है तो करंट सेम रहता है, इसलिए दोनों केसेस में आपका करंट कैसा है? सेम है। चलो आगे बढ़ेंगे। I का वैल्यू कितना है? 0.6। इंटू R1 का वैल्यू कितना है भाई? 16। कैलकुलेट करेंगे, फिर देखेंगे I का वैल्यू कितना है? 0.6। R2 का वैल्यू कितना है? 14। तो आप लोग इस तरीके से इसको कैलकुलेट करेंगे और यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगा। 16 6 कितना होता है? 16 6 आपका 96 होता है, 16 6 आपका 96 होता है, तो मैंने 96 लिखा। देखो किस तरीके से करना है, 16 6 96 होता है, बट पॉइंट जो है वो एक नंबर के पहले है, इससे मैंने भी यहाँ पे पॉइंट एक नंबर के पहले दिया, तो मुझे मिल गया V1 का वैल्यू। चलो आगे बढ़ेंगे। 14 6 कितना होता है? 14 6 आपका 84 होता है, 14 6 कितना होता है? 84। बट यहाँ पे पॉइंट एक नंबर के पहले है,
इसलिए मैंने भी यहाँ पे पॉइंट एक नंबर के पहले लगा दिया। तो इस तरीके से मेरे कैलकुलेशंस एकदम बढ़िया तरीके से हो गए। बुक में ये टी और एस सब्स्टिट्यूट नहीं किया है, आप लोग इसको लो ताकि आपको कन्फ्यूजन्स ना हो, ठीक है। ओके देन गाइस, यहाँ पे आपका रजिस्टर्स इन सीरीज वाला पार्ट विथ न्यूमेरिकल पूरा कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज डू लाइक एंड शेयर टू माई वीडियो। थैंक यू।